कोई बात नहीं दोस्तों, मैं हूँ, मैं आपको घर बैठे कान्हा की नगरी मथुरा का दर्शन आपको करवाऊंगा। तो आप वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि कान्हा का जन्मदिन है भाई, इसको भी लाइक नहीं करोगे तो किसको करोगे। तो फिलहाल हम आ चुके हैं अभी मसानी चौराहे पर, और इसकी जो सुंदरता है ना भाई, देखने लायक है। देखो दोस्तों, एक बार देखोगे ना, राधे राधे ज़रूर बोल के जाना कमेंट में, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि ये वीडियो जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी से एक दिन पहले का नाइट का है, यानी कि 6 सितंबर के नाइट का। तो आप एक दिन पहले की वीडियो आप देख रहे हो, बाकी 7 सितंबर की वीडियो आपको आज मिलेगी, यानी कि 7 सितंबर को ही मिलेगी। अब ये नज़ारा आप देख सकते हैं, सुंदर नज़ारा, हमने अलग अलग एंगल से यहाँ का शूट किया है ताकि आपको देखने में आनंद आए। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे या फिर कहीं पे भी लगाना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करके क्रॉप करके भी लगा सकते हैं, हम कोई कॉपीराइट नहीं देंगे। आप वीडियो को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, हम कोई कॉपीराइट नहीं देंगे। मसानी की सुंदरता आपको हमने दिखाई है कि किस प्रकार से इस जगह को सजाया गया है। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में आपको बताया था कि यहाँ से आगे जो बाहरी वाहन है उनका प्रवेश जो है बंद हो जाएगा, तो यहाँ से आगे सिर्फ बाइक ही जाएगी, बाकी फोर व्हीलर का यहाँ से आगे जाना बंद हो गया है। मसानी चौराहे पर भगवान श्री कृष्ण के नाना जी महाराज अग्रसेन की मूर्ति लगी हुई है, और यहाँ देख सकते हैं जगह जगह पर इस तरीके से स्वागत के बैनर लगे हुए हैं, सेल्फी पॉइंट भी यहाँ पर बनाए गए हैं। बाकी थोड़ी थोड़ी दूरी पर यहाँ पर कुछ ना कुछ धार्मिक प्रोग्राम हो रहे हैं कान्हा के आने की खुशी में। इधर भी देख सकते हैं आप, स्टेज लगी हुई है और जगह जगह पर आपको प्रसाद वितरण मिल जाएगा। जो यात्री पहले आ गए हैं एक दिन पहले, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रोड पर लेटे हुए हैं, आनंद ले रहे हैं। ये सबसे खुशकिस्मत लोगों में से हैं जो कि ब्रज की रज में इन्हें लेटने का सौभाग्य मिला है, मैं इनको बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत मानता हूँ। और ये लोग जो होते हैं ना भाई, ये ना तो देखो ऑटो से यात्रा करते हैं मथुरा में आते हैं, जब ये सिर्फ पैदल चलते हैं या फिर अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के आते हैं, उसको एक जगह पार्क करते हैं, उसके बाद में पैदल ही पूरा वृंदावन धाम और मथुरा धाम घूमते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है लोगों को देख के। अभी आप देख सकते हैं कि हम श्री कृष्ण जन्मभूमि की तरफ आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, और यहाँ का जो सुंदर नज़ारा है ना भाई, देखने लायक है। आप देख सकते हैं कि रात के 9 बजे हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि दिन हो रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक स्वागत का यहाँ पर बैनर लगा हुआ है, गेट सा बनाया गया है। इधर आप देख सकते हैं ये श्री कृष्ण जन्मभूमि जाने का गेट नंबर 3 है, लेकिन हम मुख्य मार्ग से जाएंगे अंदर, क्योंकि हमें आपको मथुरा की सुंदरता दिखानी है, हम पूरी मथुरा नगरी आपको घुमाना चाहते हैं। तो आप हमारे साथ में ज़रूर घूमना, वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, और मेहनत के साथ साथ हमें आनंद भी बहुत आया, क्योंकि हमने पूरी मथुरा नगरी घूमी और काफ़ी आनंद आया हमें घूमने में, तो ये हमारा सौभाग्य है। और आप लोग देख रहे हो वीडियो को, ये भी हमारा सौभाग्य है। आप हमारे वीडियो को कॉपी करें, अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं, जहाँ चाहें आप फ्रेंड फैमिली सबके साथ में शेयर कर सकते हैं। हमारी जो वीडियो होती है ना, सबके लिए होती है, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक। यहाँ देख सकते हैं हमारे राइट साइड में, यहाँ पर भी प्रोग्राम होगा 7 सितंबर को। तो ये हर जगह पर छोटी छोटी जो पंडाल लगाई गई है, यहाँ पर कहीं पर प्रसाद बटेगा, कहीं पर कोई प्रोग्राम होगा धार्मिक, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है 7 सितंबर को। तो आप हमारे चैनल पर आए हो ना, तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, आप बेल आइकन बजा देना, जिससे आप हर वीडियो तक आसानी से पहुंच सकें। यहाँ देख सकते हैं हम लोग पहुंच चुके हैं मथुरा के डीक गेट पर, और ये बहुत ही बिजी क्षेत्र है, और इस तिराहे को भी काफ़ी सुंदर सजाया गया है। यहाँ पर भी हमने आपको अलग अलग एंगल से दिखाने की कोशिश की है यहाँ की सुंदरता को, तो आप इंजॉय कर सकते हैं। बाकी हम इससे आगे जो जाएंगे वो भूतेश्वर तिराया है, वहाँ पर भी आपको एकदम आनंद की प्राप्ति होगी। ये समझ लो कि यहाँ पर आनंद बरस रहा है। ये हम ब्रजवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार होता है, और पूरे ब्रज क्षेत्र को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। और ये आप देख सकते हैं, इस जगह को डीक गेट का तिराहा बोलते हैं। इस जगह से रास्ते, एक रास्ता तो जाता है द्वारकाधीश मंदिर की तरफ, पुराने बस स्टैंड की तरफ और मथुरा छावनी की तरफ,
एक रास्ता जाता है मथुरा जंक्शन की तरफ और नए बस स्टैंड की तरफ। तो यहाँ देख सकते हैं आप, नए बस स्टैंड वाले रास्ते पर हम आगे चलेंगे ना, तो करीब 100 मीटर चलने पर राइट हैंड पर आपको श्री कृष्ण जन्म स्थान के जाने का रास्ता जो है वो मिलेगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि कुछ यात्री हैं रोड पर ही अपनी जो बिस्तर लगा के लेटे हुए हैं। तो ये ऐसे मुझे भी करना है, कभी कहीं जाऊँ ना धार्मिक जगह पर तो मुझे भी ऐसे करना है, बहुत आनंद आता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम आगे बढ़ लिए हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान की तरफ। और दोस्तों आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर ज़रूर मारना, बस ये मतलब खुशी मिलती है हमें बहुत ज़्यादा। तो यहाँ देख सकते हैं आप, हम पहुँच चुके हैं, हमारे राइट साइड में जो रास्ता जा रहा है ये श्री कृष्ण जन्म स्थान के लिए जा रहा है, लेकिन हम इधर से नहीं जाएंगे क्योंकि इधर से बाइक जाना अलाउड नहीं है। ये थोड़ा सेंसिटिव एरिया है, आप सभी को पता होगा कि मंदिर और मस्जिद वाला इशू चल रहा है, अभी भी कोर्ट में है, तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है ये, तो थोड़ी सावधानी बरती जा रही है यहाँ पर। हम दूसरे रास्ते से आपको लेकर के चलेंगे, उससे पहले हम आपको भूतेश्वर तिराहे के दर्शन कराएंगे जो कि काफ़ी सुंदर सजाया गया है, आप देखोगे तो देखते रह जाओगे। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर ये दुकान आम दिनों में नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर ये दुकानें लगाई गई हैं, लड्डू गोपाल के कपड़े पोशाक वगैरह ये सारी दुकानें इधर लगाई गई हैं और पूरे मथुरा नगरी को सजा दिया गया है। आप यहाँ रात में भी घूमोगे ना तो आपको ये लगेगा कि आप दिन में घूम रहे हो। दूसरी बात यह है कि 7 सितंबर को सुबह से लेकर के 8 सितंबर की सुबह तक मंदिर खुले रहेंगे भगवान श्री कृष्ण के, तो आप रात में कभी भी जा कर के दर्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और यहाँ देख सकते हैं आप कि ये जो आपको मेरे राइट हैंड पर ये जो विशाल बिल्डिंग दिख रही है ना, ये धर्मशाला है एक, और यहाँ पर आपको काफ़ी सस्ते में रूम मिल जाते हैं। और हमारे लेफ्ट हैंड पर आप देख सकते हैं यहाँ पर विशाल भंडारा चल रहा है, प्रसाद बट रहा है, तो आप ऐसे प्रसादों का आनंद जरूर लें, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा ज़रूर खाएं, क्योंकि प्रसाद को कभी छोड़ते नहीं है और किस्मत वालों को ही मिलता है ये वाला प्रसाद जो है। तो हम यहाँ से आगे चलते हैं, हम तो ब्रजवासी हैं तो हम बाहर के लोगों के लिए प्रसाद को छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि हम लगेंगे लाइन में तो भीड़ ज़्यादा लग जाएगी इस वजह से। तो हम आगे निकल लेते हैं यहाँ से, और यहाँ देख सकते हैं रेलवे क्रॉसिंग है, इसके नीचे से रास्ता है ये, तो इससे नीचे से जाएंगे। हमने जब दिन की वीडियो बनाई थी ना तो इतना मज़ा नहीं आ रहा था यहाँ पर, लेकिन रात की वीडियो बनाने में आनंद परम आनंद। तो यहाँ से फ्लाईओवर से नीचे निकल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ये है सामने भूतेश्वर तिराहा, सीधे जाएंगे तो मथुरा जंक्शन और नए बस स्टैंड के लिए निकल जाएंगे। और यहाँ से राइट हैंड पर जाएंगे तो हम NH2 गोवर्धन चौराहे बरसाना नंदगांव के लिए रास्ता वहाँ से मिलेगा हमें। और यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से आनंद, राधे राधे जरूर बोलना दोस्तों, एक बार इस सीन को देखो ना तो राधे राधे जरूर बोल देना। इस जगह का नाम भूतेश्वर तिराहा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भूतेश्वर महादेव का एक काफ़ी प्राचीन मंदिर है जो कि भगवान श्री कृष्ण के समय से भी पहले का है, तो उस मंदिर की भी काफ़ी मान्यता है। तो यहाँ की सुंदरता आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ सजाया गया है, अलग अलग एंगल से हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। और बाकी आप देख लेना, अगर आप वीडियो को स्टेटस पे लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार के लगा लेना, डाउनलोड करके लगा लेना, जैसे लगाना है आपको लगा सकते हैं, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं तो बस भगवान का प्रचारक हूँ, प्रचार कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग घर बैठे देख सकें, बहुत लोग नहीं आ पाते यहाँ पर। तो हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और यहाँ से दूर से मैं आपको एक क्लोजअप दिखाऊँगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से भूतेश्वर तिराहे से जन्मभूमि की तरफ अगर जंक्शन से आप जाओगे ना तो ऑटो भूतेश्वर तिराहे पर ही छोड़ेगा आपको, वहाँ से आगे ऑटो नहीं जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ये जन्मभूमि जाने के लिए रास्ता है, जो मुख्य मार्ग है उससे हम अंदर जा नहीं सकते थे, जो हमने शुरुआत में किया, इससे पहले हमने बताया था कि हम यहाँ से नहीं जा सकते, सेंसिटिव एरिया है, तो हम दूसरे रास्ते से होकर के जा रहे हैं क्योंकि हमें दर्शन तो करवाने हैं आपको, क्योंकि आप एक उम्मीद लेकर के वीडियो देखते हैं और फिर आप दर्शन नहीं कर पाए ना तो फिर हमें भी अच्छा नहीं लगेगा और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाना, हमसे बार बार बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 7 सितंबर को आप बहुत कुछ मिस कर देंगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो। तो यहाँ देख सकते हैं, वैसे तो ये परिक्रमा मार्ग है, जब मथुरा की परिक्रमा जब लगती है ना तो इसी मार्ग से होकर के लगती है, परिक्रमा मार्ग है ये। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर भी ये लोकल गली है, लेकिन यहाँ पर भी अच्छे से सजाया गया है और यहाँ पर भी लोग जा रहे हैं, बाहर के काफ़ी श्रद्धालु यात्री लोग आ चुके हैं, जो कि कोई कुछ तो फ्लाईओवर के नीचे रुके हुए, कुछ रोड पर रुके हुए, कुछ मथुरा जंक्शन पर रुके हुए हैं। और
यहाँ देख सकते हैं ये सीधे जाने का भी रास्ता बंद है, तो दूसरे रास्ते से जाएंगे। देखो भाई हम यहाँ के लोकल हैं ना, तो हमको सब पता है कि कौन सा रास्ता कहाँ तक जाता है, कहाँ से बंद है, सब पता है हमें। तो इसलिए हम आपको ऐसे रास्ते से होकर के लेके जाएंगे जहाँ हम अपनी गाड़ी को पास में ही कहीं पार्क करके आपको अच्छे से दर्शन करवा सकें। देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पूरा एरिया है ना, यहाँ पर आपको धर्मशालाएँ, आश्रम, बहुत सारे गेस्ट हाउस मिल जाएंगे रुकने के लिए, जिसमें आपको 500 से लेकर के 1000 रुपये में कोई भी रूम आराम से मिल जाएगा। ये सामने भी हमारे एक गेस्ट हाउस है। फिलहाल हम मुड़ते हैं राइट हैंड पर और यहाँ आप देख सकते हैं पोतरा कुंड है। ये कुंड काफ़ी पुराना है, मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इसको भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस ने बनवाया था। काफ़ी गहरा है, इसका जो फाउंटेन है ना, फाउंटेन शो इसमें होता है तो वो काफ़ी खूबसूरत लगता है, लेकिन फ़िलहाल वो शायद बंद है, इस वजह से हम इसको नहीं दिखा रहे। जब चालू हो जाएगा तब हम आपको दिखाएंगे अगले वीडियो में 7 सितंबर को। लेकिन ये वीडियो जो है 6 सितंबर को रात का है, ठीक है, आप देख लेना। तो हम आ चुके हैं गेट नंबर 1 पर, राइट हैंड की तरफ आप देख सकते हैं ये है श्री कृष्ण जन्म स्थान के अंदर जाने का गेट नंबर 1। तो हम फटाफट से इसके अंदर चलते हैं और कराते हैं आपको दर्शन। जैसे ही हम इसके अंदर घुसे हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो बिछाया गया है चटाई टाइप का, ये कारपेट यहाँ पर बिछाया गया है जो कि काफ़ी साफ़ सुथरा है। और यहाँ पर जो बाहर से श्रद्धालु आए हुए हैं उनको बैठने की व्यवस्था करी गई है, और यहाँ पर कुछ श्रद्धालु लेटे हुए हैं आप देख सकते हैं। तो ये बड़े किस्मत वाले हैं जो ब्रज रज में इनको लेटने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर पूरी जो रास्ता है ना, जितने गेट हैं जन्मभूमि के अंदर जाने के, जितने भी गेट हैं ना, सब पे ऐसे ही इन्होंने कारपेट बिछा रखा है जो कि काफ़ी अच्छा काम किया है। क्योंकि बाहर से जो आए हुए लोग हैं ना वो वेट करते हैं लाइन में लग के, तो कुछ लोग खड़े नहीं रह सकते तो वो बैठ सकते हैं, बाकी कुछ लोग होते हैं तो वो जन्माष्टमी के दिन ही दर्शन करके जाना चाहते हैं तो वो लोग यहाँ पर वेट करते हैं, इस तरीके से लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं आराम से। तो ये बहुत अच्छा है कि अपनी खुली आँखों से ऐसे करके देखो, भगवान के द्वार पर बैठो, लेटो, तो ये बहुत अच्छा है, ये बहुत किस्मत वाले हैं ये कहूँगा मैं तो। तो देख सकते हैं यहाँ पर पूरी रास्ता जो है ऐसे ही भरी हुई है, और प्रशासन भी काफ़ी अलर्ट दिखाई दे रहा है हमको, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव जगह है, कोई भी दुर्घटना यहाँ पर हो सकती है इस वजह से। तो काफ़ी तैयारियाँ की गई हैं, काफ़ी शानदार तैयारियाँ हैं, और आज यहाँ पर थोड़ी कम भीड़ है कि हम आसानी से जा पा रहे हैं अंदर, लेकिन 7 सितंबर को इतनी भीड़ हो जाएगी कि हम आसानी से अंदर नहीं जा पाएंगे, बहुत लंबी लाइनें लग जाती हैं। यहाँ देख सकते हैं आप गेट नंबर 1 है, और पूरा जो मंदिर है भगवान जी का, इसी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। ये जो जगह है कंस की जेल हुआ करती थी, जो उनके मामा थे ना कंस, उनकी जेल हुआ करती थी, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के माता पिता को जेल में बंद कर दिया था। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो है जेल में ही हुआ था, इसी जगह जिस रात उनका जन्म हुआ था उसी रात उनके पिताजी उनको गोकुल छोड़ के आ गए थे मैया यशोदा के यहाँ।